रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद रहते थे रविंद्र जडेजा, जो कि बहुत समझदार और बहुत ही उन्होंने अकलमंदाना फैसला किया है। और वर्ल्ड कप जीतने के फौरन बाद विराट कोहली ने अनाउंसमेंट की थी रिटायरमेंट की, उससे कुछ टाइम और मजीद गुजरा था तो उसके बाद रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट कर दी थी। और उसके बाद जो है ना काम ठंडा था, काम चुपचाप था, लगता नहीं था कि अब कोई और बंदा जो है वो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करेगा, बल्कि सोचा ही नहीं था किसी ने, क्योंकि ये दो मेन प्लेयर्स थे और इन्होंने ही रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करनी थी और उनके लिए तो ये बेस्ट चांस था, बेस्ट मौका था कि भाई ट्रॉफी विन करवा दी है और अब इज्जत से रिटायर हो जाओ। लेकिन उसी इज्जत से रिटायर होने के पीछे जडेजा ने भी अपने हाथ साफ कर लिए, बहती गंगा में हाथ जडेजा ने भी धो लिए भाई। और उन्होंने जडेजा ने जो है वो कोई तकरीबन ये ट्रॉफी विन करने के कोई 20 घंटे के बाद 18 घंटे के बाद जडेजा ने भी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। और एक कन्वर्सेशन जो है वो कुछ लीक हुई नजर आ रही है जिसमें रोहित शर्मा के बारे में, मतलब वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि रोहित शर्मा के बारे में लिखा है कि रोहित शर्मा पूछ रहा है हाल चीकू, तो उसके बाद जो है विराट कोहली जो है वो बता रहा है कि वर्ल्ड कप जैसे ही हम जीत जाएंगे तो उसके बाद हम रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो उसके साथ आगे फिर जडेजा की भी एडिंग की गई है जिसमें जडेजा ये कह रहा है कि आप लोग उसी दिन अनाउंसमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट डे को अनाउंसमेंट करूंगा रिटायरमेंट की। तो ये कन्वर्सेशन एक जो है वो ट्विटर पर मतलब दिखाई जा रही है। अब इसमें सदाकत कितनी है उसका हमें मालूम नहीं है, बट क्रिकेट ट्रैकर जो कि इंडिया का एक पेज है, स्पोर्ट्स पेज है, एक्स का अकाउंट है, उस पर ये एक चीज़ चल रही थी। मजीद बात करते हैं, अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को क्रिकेट की तमाम न्यूज़ टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। हैप्पी रिटायरमेंट विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए, और उस हैप्पी रिटायरमेंट के पीछे अब जडेजा ने भी हाथ साफ किए हैं। जी हाँ, जडेजा की रिटायरमेंट भी आई है और इस रिटायरमेंट जडेजा ने जो ली है तो 70 प्लस उन्होंने इंडिया के लिए इनिंग्स खेली हैं। रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट लेने से कबल जाते जाते 50th T20 इंटरनेशनल विन एज ए कैप्टन, मतलब जो बाबर आजम का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करके आगे निकल गए हैं रोहित शर्मा। और एक तो विंस की 50 कंप्लीट की है एज ए कैप्टन, और इसके साथ साथ रोहित शर्मा ने इसके साथ साथ वो काम किया है रोहित शर्मा ने कि जैसे ही टाइटल विन किया वो कैरियर की एज ए T20 इंटरनेशनल कैप्टन 50th विक्ट्री थी। तो क्या कमाल है भाई, विंस की 50 कंप्लीट की और साथ में टाइटल भी डिफेंड जीत लिया, टाइटल भी जीत लिया और चैंपियन बनवा दिया अपनी टीम इंडिया को। तो समझदार प्लेयर भी काफी होते हैं। जडेजा के लिए भी इससे बेस्ट कोई मौका नहीं था। अभी एक दो और प्लेयर्स की रिटायरमेंट जो है वो होनी बाकी थी, अगर वो भी रिटायरमेंट ले लेते तो शायद मतलब वो भी उनको भी रिस्पेक्ट इतनी ही मिल जाती। लेकिन ये तीन प्लेयर जो हैं जिन्होंने ये रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, ये तो बेस्ट इन्होंने टाइम चूज किया है कि भाई अभी रिटायर हो जाओ तो हो जाओ, इसके बाद शायद जिंदगी मौका ना दे के इतनी इज्जत से रिटायरमेंट ले लें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अभी इज्जत से रिटायरमेंट मिल रही है तो ले लो। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा तीनों रिटायर हो गए हैं, जबकि राहुल द्रविड़ एज ए हेड कोच जो टीम इंडिया के साथ थे उनका भी कल आखिरी दिन था। और उन्होंने तो एक जोक भी मारा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगले हफ्ते से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, कोई मेरे पास जॉब शॉब नहीं है, तो अगर किसी को ज़रूरत हो, कहीं पोस्ट कोई खाली हो तो बताइएगा ज़रूर।